श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जा के ना खबर श्री कृष्ण क श्री श्यामा जी ने ब्रह्मात्माओं को किस प्रकार समझाया वो प्रसंग चल रहा है बड़ी बड़ाई आंजी पसो केहडो पाइन जो घर तो इससे पहले जो बोला था ना मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ और परमधाम का द्वार तुम सबके लिए खोल दिए हैं अभी तक परमधाम के विषय में किसी को भी पता नहीं था ये बताया था अब कह रहे हैं बड़ी बड़ाई आंजी पशु पाइन जो घर बड़ी बड़ा आंजी आंजी आपकी अब यहाँ तुम्हारी कहना पड़ेगा तुम्हारी बड़ी बड़ाई तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है पशु केहड़ो पाइंजो घर पशु देखो केहड़ो कैसा पाएंजो अपना घर अपने घर को तो देखो हमारा घर कैसा है अपना घर कहने से परम धाम तो जरा परम धाम के तरफ तो देखो हे कूड़ा कूड़ी राध में छड़े कायम वर हे का अर्थ तो यह होता है कुड़ा कुड़ी ऐसे झूठ मुठ बोलते हैं ना तो इस तरह से कुडाकुड़ी तो ये झूठे तो ऐसे झूठे मुठे राध में खेल में छडे कायम कायमवर अखंड परमात्मा मतलब अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनके घर को छोड़ करके तो पहले घर की बात बताई थी अब यहाँ स्वामी की बता रहे हैं वर तो अपने प्रियतम धनी को छोड़ करके तुम कहाँ है झूठे झूठे माया में लगे हुए हो इस प्रकार समझाया कई करे राधा गालियों तो इस प्रकार खेल की अनेक प्रकार की बातें कई हाँ अभी तक की श्यामा जी की कई हुई बातें थी अब प्रण्ना जी समझा रहे हैं ऐसी अनेक बातें उन्होंने खेल की भी कही फिरी फिरी फना दुख फिरी फिरी बार बार तो ये नश्वर जगत के दुख के संदर्भ में भी समझाया और पाई जा कायम और जा अपने अखंड धाम के विषय में कई कोड़ी देखा रहा ही सुख कई कोड़ी का मतलब करो कई करोड़ ऐसे सुख दिखाए परम धाम के भी कई करोड़ सुख दिखाए अखंड परम धाम के शाश्वत अखंड तो अपने धाम के भी बहुत सुख दिखाए और इस नश्वर जगत के दुख को भी उन्होंने बार बार समझाया इस प्रकार से अब ये प्रसंग बता दिया कि श्यामा जी ने सतगुरु बनकर के आकर के हमें इस इस प्रकार से समझाया तो अब वो अपनी बात कह रहे हैं तोहे रुए न छड़ी न राधके तोहे का तात्पर्य तब भी फिर भी तथापि रूहें न न राध के का निद्रड़े लगई इन रूहे आत्माएं न न राध के खेल को आत्माओं ने नहीं छोड़ा तो जूठे खेल के प्रति मोहर बनाए रखा ये कहने का तात्पर्य नहीं छोड़ रही है का निद्रड़े लगाई इन इनको ऐसी कैसी क्या निद्रा लग गई है कहने का तात्पर्य तो ये कैसी नींद में कैसी नींद इनको आ गई तो इतना कुछ कहने पर भी अभी तक खेल के मोह को नहीं छोड़ रही है कड़े थी ना हेड़ी पकड़ी मथाहीन रोहन कड़े थे तो कड़े थे क्या तात्पर्य कभी भी कभी कड़े थी नाहेड़ी पकड़ी हेडी फकड़े कड़े थी ना ऐसी हँसी कभी भी नहीं हुई थी कड़े थी कभी भी ना ना नहीं हुई थी अभी जो परमात्माओं की हंसी हो रही है उनकी ऐसी पर, बेहाल परिस्थिति कभी भी नहीं हुई थी मथा इन रोहन इंद्रोहों के सिर पर इंद्रोहों के ऊपर तो इन ब्रह्मात्माओं के ऊपर अभी जो हंसी हो रही है ऐसी हंसी अभी तक कभी नहीं हुई थी आऊ पुकारिया इन्हीं कारण पणा इन्हीं कोहेडो आऊ पुकारिया इन्हीं कारण अब राज्य को बोल रहे हैं, मैंने आऊ पुकारियां इन्हीं कारण मैंने इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए पुकार की है आपसे बार बार पुकार किया पण इन्नी केहोडो किंतु इनका दोष भी क्या है तो राज्य से बोल रहे हैं कि इनको हमने बार बार इनके लिए पुकार किया आपसे किन्तु अब इनका दोष भी क्या बताएं? आऊं पण बंदी से राध में मैं भी तो इसी खेल में बधी हुई हूं बंदी सर राध में करिया कुजाड़ो तो कुजाड़ो का तात्पर्य क्या क्या करें अब मैं भी क्या करो मैं भी तो खेल में बंधी हुई हूं आपसे प्रार्थना तो कर रही हूं और ये सब ब्रह्मात्माएं खेल में भूली हुई है तो बाकी बंधी तो मैं भी हूं ये बता रहे हैं क लाधिम जी चुहा सबे जेडी निक लाधिम गाल पिरन जी, जी। राज्य से ही बोल रहे हैं हे किक गाल लाधिम तो एक बात मुझे मिली पीरन जी प्रियतम धनी कि हे प्रियतम धनी आपकी आपकी एक विशेष बात तो मुझे समझ में आई इस खेल में चुहाँ सबे जेडी ना तो अब सबे जेडी ना चुआ अब वो बात मैं सब आत्माओं को भी कहती हूँ सब ब्रह्मात्माओं को सब सखियों को भी कहती हूँ जा लगाइल हिन हक जी सा न छुटे पर हिन हक जी जिसको जा जो लगाइल हक जी का तात्पर्य तो धनी की कहने का तात्पर्य यह है कि यह माया जो धनी की धनी ने ही हमें माया में डाला है इसलिए ना छूटे पर कि ना छूट सा ना छूटे तो वह छूटने वाले नहीं है पर किसी भी प्रकार प्रकार किसी भी प्रकार से कितने भी प्रयत्न करें हम अपने आप तो उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे धनी चाहेंगे तभी हम जागृत हो पाएंगे इसलिए मुझे ये बात समझ में आई और मैं और ब्रह्मात्माओं को भी यह कहने वाली हूं इस प्रकार का रहे हैं। अब धाम धनी से कह रहे मुंह उम्मेदू पिरनजियो लधिम भली पर हे धाम धनी मुंह उम्मेद्यू पिरनजियों का तात्पर्य हे धाम धाम प्रियतम प्रियतम धनी मुँह मेरी अभिलाषा लधिम भली पर लधिम लधिम का तात्पर्य मिले इस अर्थ में लाधा प्राप्त किया भली पर अच्छे प्रकार अब यहाँ क्या कहते हैं तो धाम धनी ने मेरी अभिलाषाएं भले भांति पूर्ण की जैसे कहते हैं मनना मनोरथ पूर्ण के धा मारा अनेक बार तो ये इसी बात कोई कह हैं भाषा अंतर है सुयम मोहा सजड़े जा खिलवत थी घर स्वयं सुना मोहा मुख से सजने सजन के मुख से तो अब यहाँ सतगुरु के मुखार से कराना पड़ेगा सतगुरु ने बार बार समझाया था ना तो मैंने सतगुरु के मुखार से भी बहुत बार सुना जा खिलवत थी घर तो जो खिलवत और थी दोनों अलग अलग हाँ जा खिलवत थी घर तो घर परम धाम के खिलवत मूल मिलाव में जो चर्चा परिचर्चाएं हुई है उस विषय में मैंने धामधनी से बहुत सुना है वहाँ धामधनी का कहने का तात्पर्य सतगुरु धनी परूढ़ी मा पीरन जी हे जा देखा रही रई का तात्पर्य समझना भूतकाल में समझ लिया पीरन जी तो हे प्रियतम धनी हे जा का तात्पर्य यह जो देखा राय राध देखाया राध खेल हे धाम धनी आपने हमें जो खेल देखाया उसको हम आ, हमने भली भांति समझ लिया समझने का प्रयत्न किया असा मथे खेलना हम पर हंसी करने के लिए के ये कुड़न के कांध के ये किया कुडन के काद तो वो हमारे ऊपर हमारे उपहास करने के लिए कुड़न तो ये उसमें लाड़ कोड़ की तरह से ना तो हमारे हमें और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए और ज़्यादा सुख देने के लिए ही अपने हमारे हंसी की है हमारा हमारे सिर पर है खेलना हमारे सिर पर उपहास करने की व्यवस्था की है ये कहना चाह रहे हैं आप हमें जो खेल दिखा रहे हैं यद्यपि यहाँ दुख ही दुख देख रहे हैं किंतु हमारी हंसी करके आप हमें अपना और ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ये बात मुझे समझ में आई है इसका धनी जे दिल जो पेरो न लधो पाण धनी जे दिल जो इसका धाम धनी के हृदय का प्रेम पेरो न लधो पाण पेरो न लधो पेरो, पेरो पहले न लधो नहीं प्राप्त किया पाण हमने स्वयं ने तो धामधनी के हृदय का इतना अगाध प्रेम इसका हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था अभी भी अनुभव तो नहीं हो रहा है दुखी दुख लग रहा है, किंतु जब दुख में से जागृत होंगे तब तो अपार आनंद का अनुभव होगा तब पता चलेगा तो प्राणनाथ जी को पता चला इसलिए कह रहे हैं तो देखा रहा राध में इसका जी पहचाना, तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा इसलिए तो तब दिखा रहा राध में इस खेल में यह दिखाया अथवा इस खेल को दिखाया जी पहचान और प्रेम की पहचान करवाई अथवा तो ये कह सकते हैं प्रेम की पहचान करवाने के लिए इस खेल में ये दुख आपने दिखाए तो दुख दिखाए और दुख के बाद में जागृत होंगे तो अपार सुख का अनुभव होगा जो दुख देखने से पहले कभी अनुभव नहीं किया था मुंह ते कायो का दिल में अगर धनी इश्क तो मुंह तेहकी का आयो दिल में अब मेरे हृदय में ये निश्चित हो गया है कि अगरों धनी इसका धनी का प्रेम है वो अगरो का अर्थ अधिक है धनी का प्रेम हमसे अधिक है अब ये आ, समझ में आ गई है डीठम अरस खिलवत में सारही नजरो डीठम अर्स खिलवत में परम धाम के खिलवत में एकांत में हमने जो देखा उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है तो धनी का प्रेम ज्यादा है हमें अब ये बात समझ में आई पहले समझ में नहीं आई थी वो बात कबूल कर रहे हैं मुंह वेदु दिल में धनी से घरण मुंह उम्मेद दिल में मेरी चाहना दिल में ऐसी चाहना है धनी से घरण घुरन और घारण धनी से मांगने के चाहना है न हो न उम्मेद धनी के मुझा लाड पारण तो को ना क्यों नहीं हो ना उम्मेदों होगी उम्मेदों इच्छा अभिलाषा धनी के धाम धनी को धाम धनी के दिल में ये इच्छा क्यों नहीं होगी कि मुंजा लाड़ पारण मेरे आ, मुझे लाड़ मेरे लाड़ को पूर्ण करने की अभिलाषा क्यों नहीं होगी वो तो आ, अवश्य चाहेंगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो चाहेंगे ही तो मेरे मन में बस यही है कि दिल में कि मैं आपसे प्रेम प्राप्त करूं तो उसकी पूर्ति करने की चाहना आपके अंदर तो ज्यादा है यह कहना चाह रहे तरसे दिल मुंह जो जाने कडे धनी पसा मुह जो दिल तरसे मेरा दिल तो तरसता है जाने मानो जाने कडे धनी पसा कब धनी के दर्शन करे तो मेरा दिल तरसता रहता है तक तो ही न हो न कांध के मिडन उम्मेद असा अस्सा की, की न होना कांध के कांध के प्रियतम धने के त तो की न होना क्यों नहीं होगा मिडन असा असा अस्सा मिडन उम्मेद हम लोगों से मिलने की अभिलाषा कि धाम धने हमसे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे अवश्य चाहेंगे तो हमारे जब धाम धने के दर्शन के चाहना है तो धाम धनी तो हमसे मिलना हमसे भी ज्यादा चाहते हैं यह कहना चाह रहे हैं दिल थिए मीडा न धनी से जे मु इसका ना हंड दिल थिए मीडा न धनी से धनी से मिलने की हंड तो अब क्या है जे मु इसका ना हंड मेरे प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है धनी से मिलने की चाहना तो है किंतु प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है तो एक बार प्रेम उमड़ता है और प्रेम फिर कम हो जाता है का पूरे इस कसे तीन आए सौ गणी चढ़ कांध पूरे इस कसे धाम धनी तो इस कसे पूरे प्रेम से परिपूर्ण है इसलिए तीन आए सौ गणी चढ़ तो तीन आए उनमें है सौ गणी चढ़ उनके दिल में तो आ, हमारे दिल में जो अभिलाषा है उनका प्रेम पाने की उनके दिल में तो सौ गुने ज्यादा है इस प्रकार से ये कह रहे हैं श्री कृष्ण लाल के तिन आए सो गणी चढ़ दिल थिए मिडन धनिया से